On to another person from the Aam Aadmi Party, Raju Dhingan, who was popular with the local youths for his bodybuilding skills, flexing his political muscle now in Trilokpuri when he emerged victorious in a prestige battle. बहुत से लोग पार्टी में ऐसे थे जिनको ऐसा नहीं कि पूरा इलाका जानता हो, पूरी दिल्ली जानती हो, बड़े नेता हो, लेकिन उसके बावजूद जीते हैं. क्या कारण समझ में आता है इन चीजों का? कारण अरविंद जी का जो ये मोमेंट रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि खाली दिल्ली नहीं, पूरे देश के मन में एक भावना तो थी कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट उठना चाहिए. तो अरविंद जी के इस मूवमेंट से लोग जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से बदलाव आया है. इसके लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है. वैसे तो मैंने फोर्स की नौकरी की है, 4 साल वो छोड़ा, उसके बाद जिम ट्रेनर रहा हूँ मैं. और सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, जैसे जिन समुदाय से हम जुड़े रहे, सामुदायिक संस्थाएं थी कुछ, उनसे जुड़ा रहा. स्कूल की बॉडी जो पीटीए बॉडी होती है उससे जुड़ा रहा. तो लोगों के लिए काम तो करते थे, तो क्षेत्र में थोड़ी जान पहचान हमारी भी थी, जिसकी वजह से हमें उसका लाभ मिला. तो दूसरा, अगर मेरे क्षेत्र की बात करें त्रिलोकपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर कैंडिडेट ही ऐसे थे जिन्होंने मौजूदा विधायक ने पहले तो कभी कोई काम ही नहीं किया. 4 साल तक लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाई. और कांग्रेस ने भी एक ऐसे कैंडिडेट को भेज दिया जो बाहरी था. तीसरा कैंडिडेट भी ऐसा था जो पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहता था.